जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वह प्रयोग हमारे इन चार विधायकों पे किया जा रहा है, और इनसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्मानी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे के गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं, और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, नंबर 1 देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया, और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते हैं और कहते हैं हम निःशुल्क यहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया, निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की, नरेंद्र मोदी जी आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की, आपको चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ करने की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की।